आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान, हरियाणा की पॉलिटिकल राजधानी जिंद और जिंद के जिले का जुलाना विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव से पहले कभी इतना चर्चा में नहीं रहा। एक गुमनाम सा विधानसभा क्षेत्र अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है। इसकी वजह है कुश्ती की दुनिया का सितारा रेसलर विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार के दौरान विनेश फोगाट का जुलाना में अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। विनेश फोगाट मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी जिले की बलाली गांव की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी ससुराल जुलाना में है। चुनाव प्रचार के दौरान विनेश जब जुलाना हलके के गांव में जाती हैं तो हरियाणा के बुजुर्ग ताऊ और ताई से बड़े भावनात्मक अंदाज में मिलती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विनेश खुद को जुलाना की बहू भी बताती हैं और लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि वह उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। विनेश का जगह जगह पगड़ी पहनकर स्वागत किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान विनेश के कार्यक्रमों में काफी लोग भी दिखाई देते हैं। हरियाणा के ताऊ और ताई घरों से बाहर निकलकर उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं और उनके सर पर प्यार से हाथ रखते हैं, जबकि छोटे बच्चों से लेकर नौजवान तक उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। जिन जिले का जुलाना विधानसभा क्षेत्र एक खास जगह बन गया है। हरियाणा के बाहर और हरियाणा के अंदर हर कोई ये जानना चाह रहा है कि कुश्ती की दुनिया में धाक जमाने वाली विनेश फोगाट राजनीति के दंगल में किस तरह अपने विरोधी को चित करती हैं, वह कितने मार्जिन से चुनाव फतह करती हैं। जुलाना में पक्ष हो या विपक्ष, सभी की चर्चा का विषय विनेश फोगाट है। वह जुलाना की बहू भी हैं। जुलाना के बाख्ता खेड़ा गांव में उनकी ससुराल है। जुलाना में सभी के पास कुछ खास अपने अपने आंकड़े हैं जिनके आधार पर वे बेहद बारीक सियासी गुणाभाग तक किए बैठे हैं। शर्त के साथ वे जीत का मार्जिन भी निकाले बैठे हैं। यहाँ का चुनाव और सियासी मिजाज बहुत दिलचस्प है, जो पहले कभी नहीं रहा। जुलाना में कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में लोगों का मेला है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। विनेश फोगाट अपनी सभाओं में कह रही हैं कि ये चुनाव मान सम्मान का चुनाव है, शेष फैसला आपके हाथ में है। विनेश की अपील का असर भी हो रहा है। विनेश किसानों और कर्मचारियों के खिलाफ बल प्रयोग के लिए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। वे अपने भाषणों में कहती हैं कि अब बदला लेने और वोट की चोट करने का समय आ गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जीत का मंत्र माने जाते जवान, पहलवान और किसान में से विनेश फोगाट के रूप में खेल की दुनिया का बड़ा चेहरा मैदान में होने से युवाओं में उनका जबरदस्त आकर्षण है। विनेश की वजह से खिलाड़ियों का मुद्दा न सिर्फ जुलाना बल्कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी असर दिखा रहा है। विनेश जब पहली बार जुलाना आई थी तो उन्हें 105 गांवों के लोगों की ओर से चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया था। विनेश के मुकाबले बीजेपी ने यहाँ कैप्टन योगेश बैरागी, एनोलो बसपा ने डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, आम आदमी पार्टी ने WWE में जाने वाली पहली महिला रेसलर कविता दलाल और JJP ने 2019 विधानसभा चुनाव में उसके टिकट पर यहां से जीते अमरजीत डांडा को उतारा है। बीजेपी ने चुनाव को पूरी तरह जातीय आधार पर ले जाने की कोशिश की है। 5 पार्टियों में से 4 ने जाट समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। विनेश, लाठर, डांडा और कविता दलाल जाट समाज से हैं, जबकि बीजेपी के कैप्टन बैरागी अकेले गैर जाट उम्मीदवार हैं। सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट का खूब माहौल बना हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतरता। लोग विनेश को मजबूत तो मानते हैं, लेकिन उसकी बड़ी वजह यहाँ की दोहरी एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा की 10 साल की सरकार और मौजूदा JJP विधायक से लोग नाराज हैं। लोगों को इसका बेहतर विकल्प कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि जातीय गणित यहाँ कांग्रेस और विनेश दोनों के लिए पेंच फंसा सकता है। जुलाना में 1,87,000 वोटर हैं। सबसे ज्यादा 70% यहाँ जाट समाज के वोट हैं, लेकिन 5 पार्टियों में से 4 ने उम्मीदवार जाट समाज से उतारे हैं। उसमें विनेश, लाठर, टांडा और कविता दलाल शामिल हैं। ऐसे में जाट वोट बटे तो विनेश का कड़े मुकाबले में फंसना तय है। जाट वोट एक तरफा हुए तो भाजपा के कैप्टन बैरागी मुकाबले से बाहर नजर आते हैं।
यदि जाट वोट बटा और 30% ओबीसी और ब्राह्मण वोट भाजपा के खाते में आया तो वह चौंका भी सकते हैं। जाट वोटों में यदि बंटवारा नहीं हुआ, जिसकी कोशिश बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी के कैप्टन बैरागी चुनावी रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। बीजेपी की 10 साल की सरकार के खिलाफ नाराजगी तो लोगों में है ही, दूसरा पहलू यह भी है, यदि बीजेपी की कोशिशें सफल गईं और जाट वोटों में बंटवारा हो गया तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। हैरानी इस बात की है कि जुलैना से जेजेपी की सिटिंग विधायक और प्रत्याशी अमरजीत टांडा की कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। जुलैना के लोगों का कहना है कि विनेश फोगाट को सहानुभूति, सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी जेजेपी से नाराजगी और सेलिब्रिटी चेहरे का फायदा मिलेगा। लोगों की जबान पर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का भी नाम है। वहीं भाजपा के कैप्टन योगेश बैरागी को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें ओबीसी और ब्राह्मण समाज का साथ मिलेगा। जुलैना सीट इनेलो का गढ़ रही है। 1967 से यहां चुनाव हो रहे हैं। 2009 और 2014 में यहां इनेलो के परमेंद्र सिंह ढुल ने जीत दर्ज की थी, जो अभी कांग्रेस में है। 2019 में इनेलो के दो फाड़ होने के बाद बनी जेजेपी ने यहां जीत हासिल की थी। इससे पहले साल 2000 और 2005 में कांग्रेस के शेर सिंह ने जीत दर्ज की थी। 15 साल से कांग्रेस ये सीट नहीं जीत पाई है। बीजेपी इस सीट पर कभी खाता भी नहीं खोल पाई है। विस्तारा एयरलाइंस में पायलट रहे बीजेपी के कैप्टन बैरागी को बाहरी का टैग भी झेलना पड़ रहा है। सफेदों का होने की वजह से लोग उन्हें बाहरी कह रहे हैं। इनेलो के सुरेंद्र लाठर 11 साल पहले कमिश्नर पद से वीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। बेरोजगारी, प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी जैसे मुद्दे भी लोगों के बीच हैं। एक बड़ी तादाद में लोग बदलाव की बात भी कर रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के 10 साल की सरकार के बाद अब राज्य में परिवर्तन की दरकार है। बीजेपी जेजेपी सरकार की असलियत खोलते हुए रोहतक से जुलाना को जोड़ने वाले मुख्य हाईवे की जगह दयनीय कच्चा रास्ता भी एक वर्ग में बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी के झगड़े का खमियाजा जुलैना के लोगों ने भुगता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुश्ती के मैदान में हर किसी को चित करने वाली विनेश फोगाट राजनीतिक मैदान में अपने विरोधियों को चित कर पाती हैं या नहीं। शुक्रिया।